हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट टू। मूवी के स्टार्टिंग में कॉलेज स्टूडेंट किम्बर्ली को कार में देखते हैं, जो फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड के साथ बीच वेकेशन यानी छुट्टियों पर जा रही होती है। जब वो लोग हाईवे यानी रोड पर खड़े होते हैं तो उनके पास एक मांगने वाली बूढ़ी औरत आती है। उस औरत के पास एक बैग होता है जिसके अंदर के सारे कैन रोड पर गिर जाते हैं। वो सब उसकी कोई हेल्प नहीं करते और उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्कूल बस दिखाई देती है जिसके अंदर बच्चे पाइल अप चिल्ला रहे थे। उस बस पर किम्बर्ली के सिवा कोई ध्यान नहीं देता। जब रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है एक साल पहले ठीक आज ही के दिन वो हादसा हुआ था, यानी इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो फ्लैट तबाह हो गई थी। रेडियो का चैनल चेंज करती है तो एक सॉन्ग प्ले होता है जिसका नाम हाईवे टू हेल है और उसे ये बात अजीब लगती है। फिर वो लड़की किम्बर्ली देखती है उस हाईवे पर बहुत सारे लोग और भी हैं। हाईवे पर उन सब के आगे एक ट्रक जा रहा था जिसके अंदर लकड़ी के बहुत बड़े बड़े लॉक्स पड़े हुए थे। किम्बर्ली को ऐसा फील होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो काफी ज्यादा साइन भी फील करती है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। अचानक से उस ट्रक की चेन टूट जाती है और सारे बोर्ड लॉक हाईवे पर गिरने लगते हैं। उस रोड पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। एक लॉक सीधा उसके कार के अंदर घुसकर उसको क्रश कर देता है और उधर एक बाइकर भी होता है जो अपने बाइक के नीचे आकर मारा जाता है। इन सब के साथ साथ अलग अलग कार्स में एक बिजनेसमैन लेडी, एक माँ बेटा, उन सब की कार भी ब्लास्ट हो जाती है। किम्बर्ली की कार भी यहाँ पर क्रैश हो जाती है लेकिन वो सब जिंदा थे। एक लड़का अपनी स्पोर्ट कार के साथ जाकर ट्रक में लगता है और उसकी कार भी क्रैश हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं और जिंदा जलने लगता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उन सबको कुचल देता है। साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ये सब किम्बर्ली की इमेजिनेशन थे। वो अभी भी हाईवे पर थे लेकिन वो बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। वो सोचती है ये बुरा ख्वाब हो सकता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है जो उसकी इमेजिनेशन में आई थी और उसी तरह उसके बैग के सारे कैन गिर जाते हैं। तब किम्बर्ली कुछ सोच ही रही होती है, वहाँ से वही स्कूल बस गुजरती है। ये बस उसी स्कूल की थी जिसके स्टूडेंट पिछले पार्ट में उस फ्लाइट से पेरिस जा रहे थे। जैसे ही किम्बर्ली रेडियो को ऑन करती है तो उस पर वही न्यूज चल रही होती है और उसे ये भी पता चल चुका था कि नेक्स्ट हाईवे टू हेल सॉन्ग चलेगा और वैसा ही होता है। वो बहुत डर जाती है और अपनी कार वापस मोड़ लेती है। उसके वहाँ रुके रहने से वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका था। यहाँ पर वो सब लोग फंसे हुए थे जिनको किम्बर्ली ने इमेजिन किया था। इसी मूवी का एक मेन कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर बर्ग भी होता है जो वहाँ पर फंसा हुआ था। वो किम्बर्ली की कार के पास आता है और उनसे रीजन पूछता है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बर्ग उसे कार से बाहर आने को कहता है। तभी वहाँ से वो ट्रक गुजरता है जिसमें लकड़ियाँ थी। किम्बर्ली उसे बताती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से आगे जाकर एक्सीडेंट होगा। अभी वो बता ही रही होती है तभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर वो एक सिंबल को देखती है जिस पर 180 लिखा हुआ था क्योंकि पिछले पार्ट में दिखाई गई फ्लाइट 180 से कनेक्टेड था। इसी दौरान उनके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जिससे ऑफिसर बर्ग उसे बचा लेता है लेकिन किम्बर्ली के तीनों फ्रेंड मारे जाते हैं। रियलिटी में सब कुछ उसकी इमेजिनेशन से उल्टा जा रहा था, यानी उसके फ्रेंड को सबसे लास्ट में मरना था लेकिन वो सबसे पहले मारे गए। लेकिन किम्बर्ली खुश थी, उसने खुद की और बाकी लोगों की जान बचा ली। ऑफिसर बर्ग के साथ तमाम सर्वाइवर बैठे होते हैं और यहाँ पर जब वो किम्बर्ली से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो हमें पता चलता है किम्बर्ली के साथ भी वैसा ही हुआ है जो इस मूवी के पार्ट वन के फ्लैट एक्सप्लोजन के सर्वाइवर एलेक्स के साथ हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है एलेक्स भी मर चुका है लेकिन एक और सर्वाइवर क्लियर अभी भी जिंदा है और उसने खुद को एक ही जगह पर लॉक किया हुआ है ताकि वो बच सके। इनमें से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि कोई अपनी मौत को कैसे टाल सकता है लेकिन वो खुश थे कि वो सब बच गए थे। और उनमें से एक लड़का जिसकी $2.5 million की लॉटरी निकली थी वो बहुत सारी शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वो देखता है उसके पैन में कुछ पुराने नूडल पड़े हुए थे जिन्हें वो खिड़की से बाहर फेंकता है और अपने लिए कुछ नया बनाने लगता है। वो फ्रिज से चाइनीज फूड निकालता है कि तभी उसके फ्रिज पर लगी हुई मैग्नेट उसके फोन में गिर जाती है। वो बिना देखे उसे माइक्रोवेव में रख देता है। वो साथ में पैन पर भी कुछ फ्राई कर रहा होता है। इसी दौरान वो अपनी गोल्ड की वॉच पहनकर उसे देखकर खुश हो रहा होता है, साथ ही अपने गोल्ड के रिंग को पहनकर देखने लगता है। तभी माइक्रोवेव में स्पार्क हो जाता है जिससे उसके हाथ से रिंग सीधा सिरिंज में गिर जाती है। वो उसको पकड़ने के लिए जल्दी से सिरिंज में हाथ डाल देता है लेकिन इस गोल्ड वॉच की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन उसी दौरान माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका था और पैन में भी आग लग चुकी थी। वो अपनी तरफ से कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में आग फैल जाती है। वो किसी तरह करके अपना हाथ सिंक से बाहर निकाल लेता है और जब देखता है तो उसके रूम की सारी
खिड़कियाँ बंद हो चुकी थी। वो विंडो तोड़कर बाहर निकल आता है। जैसे वह सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है उसके रूम में ब्लास्ट हो जाता है। वो सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन वो जाम थी। काफी कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और नीचे उतर आता है। वहां से जाने लगता है तभी उसका पाँव उसी के फेंके गए नूडल के ऊपर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और तभी ऊपर फंसी हुई सीढ़ी सीधा उसकी आंख में आकर गिरती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये काफी पेनफुल सीन था। दूसरी तरफ ऑफिसर बर्क को दिखाया जाता है जो फ्लाइट 180 के सर्वाइवर पर रिसर्च कर रहा होता है। उसे पता चलता है वो लोग जो बच गए थे वो बाद में काफी अजीब एक्सीडेंट में मारे गए। हमें यहाँ पता चलता है एलेक्स के सिर पर ईंट गिरने से मारा गया था और उसके साथ क्लियर भी थी जब एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ सब लोग वो हाईवे इंसिडेंट से बच गए थे वो अभी भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही टीवी पर इस लड़के की न्यूज आती है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई थी तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। किम्बरली क्लियर से मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहती थी इसीलिए वो उसे सैनिटेरियम में मिलने के लिए जाती है। क्लियर उसे कहती है तुम साइन पर ध्यान देना होगा क्योंकि सिर्फ साइन ही ऐसी चीज है जो उन्हें बचा सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है किम्बरली की इमेजिनेशन में डेथ उल्टी चल रही है, यानी जो सबसे लास्ट में मरा था उसकी सबसे पहले डेथ होगी और जो सबसे पहले मरा था उसकी सबसे लास्ट में। और किम्बरली क्लियर से हेल्प मांगती है लेकिन उसकी हेल्प नहीं करती और किम्बरली यहाँ से गुस्से में चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसे ऑफिसर बर्क मिलता है। उसे किम्बरली की बातों पर यकीन होने लगा था। फिर किम्बरली देखती है एक विंडो के बाहर पिजन्स हैं और वो इस साइन को जान लेती है कि अगला नंबर उस माँ बेटी का है। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लियर को दिखाया जाता है जो सोच रही थी कि ऐसे जीने से बेहतर है कि मर जाऊं और वो फाइनली सोचती है मैं सैनिटेरियम से बाहर चली जाऊंगी। वो माँ अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है। यहाँ काफी अजीब सा म्यूजिक चल रहा होता है जो पहले भी चला करता था। उस साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे कबूतर यानी पिजन विंडो के साथ आकर टकरा रहे थे। उनकी वजह से डेंटिस्ट का पूरा फोकस नहीं हो रहा था। इसकी वजह से उसे इंजेक्शन लगाने की बजाय लाफिंग गैस उसे ब्रीफ करवा देता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है तभी एक पिजन विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है। डेंटिस्ट बाहर देखने चला जाता है पर वहाँ पर उस बच्चे की ऑक्सीजन बंद हो गई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और इसी दौरान उसके मुंह में एक टॉय गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद हो जाती है। तभी डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहाँ पर पहुँच जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। वो ठीक ठाक वहाँ से निकलते हैं कि तभी देखते हैं एक सामने से ऑफिसर बर्क और किम्बरली चले आ रहे हैं। पिजन को सुनते ही वो बच्चा पिजन के पास चला जाता है तभी एक बहुत बड़ा और भारी ग्लास ऊपर से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ बहुत रोने लगती है। अगले दिन ऑफिसर बर्क तमाम सर्वाइवर को अपने घर पर मीटिंग के लिए बुलाता है। वो किम्बरली को उसके घर छोड़ता है कि तभी वहाँ पर उन्हें क्लियर मिलती है और वो उसको एक आदमी के पास लेकर जाती है जो उसे गाइड कर सकता है। वो आदमी उन्हें बताता है सिर्फ न्यू लाइफ ही डेथ को हरा सकती है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि किम्बरली को एक विजन आता है कि एक लेडी एक वाइट बैंड चला रही है और वो लेक में डूब जाती है। यहाँ उन्हें याद आता है एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बच गई थी और वो वाइट बैंड चला रही थी। ऑफिसर बर्क बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आई थी। उन्हें न्यू लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। वो कहते हैं कि हमें इसाबेल को बेबी को बचाना है। बर्क क्योंकि पुलिस वाला था इसीलिए वो इसाबेल को ढूंढना मुश्किल नहीं था, यानी उस लेडी को ढूंढना आसान था क्योंकि उसने शहर की तमाम पुलिस को बता दिया था। अगले दिन सब लोग ऑफिसर बर्क की बिल्डिंग में आते हैं और हमें दिखाया जाता है उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। लिफ्ट में वही अजीब सा म्यूजिक प्ले हो रहा था जो एक डेथ सॉन्ग से जाना जाता था। वो सब इकट्ठे होते हैं और क्लियर बताती है वो माँ जो बच गई थी उसकी नेक्स्ट टर्न है, अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनते ही वो वहाँ से सर्वाइवर और वो लेडी चली जाती है क्योंकि उसका बेटा मारा जा चुका था तो उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उनके जाने के बाद एक सर्वाइवर जो ड्रग एडिक्टेड था यानी नशेड़ी था उसको एक सिंबल नजर आता है। उसे शैडो में एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में हुक्स थे और वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में होता है। क्लियर जल्दी से उस लेडी को कॉल करती है लेकिन उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो फोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो एक हुक उसके शर्ट में अटक जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उन्हें मारने वाला है तब वो डर जाती है। वो लिफ्ट से बाहर भागने लगती है लेकिन उस लिफ्ट के दरवाजे खराब थे। लेडी का सिर उस लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। क्लियर के आने पर भी वो कुछ नहीं कर पाते और उसका सिर उसके जिस्म में अलग हो जाता है। बर्फ को रिपोर्ट मिलती
होती है, पुलिस ने उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लिया है। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि वही सर्वाइवर जो उस लेडी के साथ भाग रहा था। वो खुद को गोली मारने लगता है लेकिन गोली नहीं चलती, जबकि उसमें गोली कम नहीं थी, पूरी की पूरी लोडेड थी। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं थी। वो सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ उस लेडी को लेवर पेन होने लगता है और अफसर उसी की बहन में उसे बिठा कर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो हॉस्पिटल में ले जा सके। सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेथ से पहले भी बच चुके हैं। फिर सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो डेथ से एट द स्पॉट बच जाते हैं। तभी किमबर्ली बताती है वो अपनी मॉम के साथ एक मॉल में जा रही थी कि तभी वो एक न्यूज देखने के लिए रुक गई थी और इतने में कुछ लोग उसकी मॉम को मारकर चले जाते हैं और वो बच गई थी। यहाँ हमें बताया जाता है पार्ट वन की फ्लाइट और इस पोर्शन में जो सर्वाइवर बच गए थे उनकी बाद में डेथ की वजह से इन सब की डेथ भी टल गई थी और डेथ को अपना पैटर्न दोबारा फॉलो करना था, इसीलिए वो उल्टा चल रही है। यानी कि वो सर्वाइवर अगर उस फ्लाइट से ना उतरते तो आज ये लोग भी जिंदा ना होते। अब ये सब लोग उस लेडी के पास जा रहे होते हैं कि तभी इनका टायर पंचर हो जाता है और कार सीधा एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाती है। उस प्रेग्नेंट लेडी के पास ज्यादा टाइम नहीं था इसीलिए अफसर पर एक्सीडेंट रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उन सारे सर्वाइवर को भी कुछ नहीं हुआ था लेकिन एक लड़की जो बिजनेसमैन थी उसी कार में फंस गई थी। रेस्क्यू टीम आती है और उसके उस कार से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उसका एयरबैग एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। उसकी कार से सारा फ्यूल गिरकर इर्द गिर्द फैल चुका था। इसी दौरान उसके हाथ से सिगरेट गिरती है और उसके इर्द गिर्द आग लग जाती है, जिसकी वजह से कार भी ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से उस सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्टेड था उसके बॉडी पार्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। अब सिर्फ तीन लोग बचे थे जो कि फाइनल सर्वाइवर थे, उनमें किम्बर्ली, बर्ग और क्लेयर थे। उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कि किम्बर्ली को फिर से विजन आते हैं कि एक डॉक्टर उस लेडी को मार देगा। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहां पर सर्वाइवर जो कि एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था, क्लेयर उसको देखने के लिए जाती है और अब उसकी बारी आ चुकी थी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पाइप निकल चुकी थी। फिर से डॉक्टर के बारे में किम्बर्ली को विजन आता है, वो उस लेडी को मार देगा। ये दोनों मिलकर उसे रोक लेते हैं और उधर उस लेडी का बेबी इस दुनिया में आ जाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक न्यू लाइफ आ चुकी थी और ये न्यूज पाकर क्लियर को देते हैं कि तभी किम्बर्ली को दोबारा से विजन आता है कि वो लेडी जिसका अभी बेबी हुआ था वो एक्सीडेंट में मरने वाली नहीं थी, यानी उन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला। क्लियर जल्दी से उस इंजर्ड सर्वाइवर के रूम में जाती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ पर एक फायर एक्सप्लोजन हो जाता है और क्लियर और वो सर्वाइवर दोनों मारे जाते हैं। अब किम्बर्ली को समझ आ जाता है उसके मिशन में उसे कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही दिखाई दे रही थी। उसे अब समझ आ चुका था उसे क्या करना है। वो वहाँ की एम्बुलेंस लेकर सीधा लेक में छलांग लगा देती है और उसके पीछे पीछे वर्क भी कूद जाता है। किम्बर्ली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है और उसकी सांसें रुक गई थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। जैसे ही उसे होश आता है उसे अपने सामने वही डॉक्टर दिखाई देता है जो उसे विजन में दिख रहा था कि वो उस प्रेग्नेंट लेडी को मार देगा, लेकिन इस बार उसने किम्बर्ली को न्यू लाइफ दी थी और इसी न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया था। अब बर्क और वो आराम से जी सकते थे। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों बहुत से लोगों के साथ एक लंच कर रहे होते हैं जहां उन्हें पता चलता है उनके दोस्तों ने भी किसी की जान बचाई थी। ये सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था। तभी उसका बारबेक्यू सेटअप ब्लास्ट हो जाता है और वहां खड़े फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।